ताइवान का अमरूद पलामू के किसानों को मालामाल कर रहा है। किसान प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं। पलामू के इलाके में बड़े पैमाने पर किसान ताइवान की जो पिंक ग्वाभा प्रजाति की जो अमरूद है उसे लगा रहे हैं और अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं। इन अमरूदों को बंगाल, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में भेजा जा रहा है। दरअसल ताइवान की जो पिंक ग्वाभा प्रजाति की अमरूद है उसे लगाने के लिए बिरसा कृषि अनुसंधान केंद्र के जो जोनल रिसर्च केंद्र है पलामू के चियाकी में उसकी अहम भूमिका है। जोनल रिसर्च केंद्र ने इन पौधों को तैयार किया और किसानों को उपलब्ध करवाया है। किसानों को ये 60 से 70 रुपए में पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ताइवान प्रजाति की जो पिंक ग्वाभा अमरूद है वो 6 महीने में इसके जो पौधे वो फल देने लगते हैं। वर्ष में इसका जो 3 से 4 बार ये करीब फल देते हैं। कि हम लोग के यहाँ जो अमरूद होता है वो वर्ष में एक ही सीजन में होता है, ये राउंड द ईयर सालों भर होता है। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 1 साल का भी अभी नहीं हुआ है और ये 6 मंथ से अपना फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। और इसकी क्वालिटी जो है आप खाएंगे तो एकदम क्रंची है, ऐसा अमरूद आपने खाया नहीं होगा। और यह एक बार जिस मार्केट में चला जाता है, कलकत्ता हो, बनारस हो, गया हो और टाटा हो, तो उसके बाद से दूसरे अमरूद की जो है रिक्वायरमेंट वहां पर जो है बंद हो जाती है। हमारी बात बिरसा कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक प्रमोद कुमार से हुई है। उन्होंने बताया कि काफी उच्च गुणवत्ता वाला अमरूद है जो करीब 3 से 4 दिनों में भी ये खराब नहीं होता है। इस अमरूद की सबसे बड़ी बात है कि ये काफी क्रंची होती है, इसके जो बीज होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं। की अच्छी है, यानी अमरूद को अगर 5 दिनों के बाद भी बेचते हैं तो देखते हैं, अमूमन अमरूद में शिकायत होती है कि 1-2 दिन पुराना हो जाता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें जो सीड है ये भी सॉफ्ट है और इसका जो पल्प है इतना टेस्टी और इतना बढ़िया है कि आज तक के बाजार में इससे अच्छा क्वालिटी का अमरूद जो है नहीं आ पाया है। पलामू का इलाका हमेशा अतिवृष्टि से प्रभावित होता है। पलामू के इलाके में गैर पारंपरिक खेती को भी एक जो है किसान पहल कर रहे हैं और इसे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में ताइवान का जो पिंक ग्वाभा अमरूद है पलामू के किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। नीरज कुमार, ईटी भारत, पलामू।